सभी गोरखपुर वालों को जय माता दी। नवरात्रि हो चुकी है ख़त्म। मैंने विजिट किया अष्टमी की रात को कई सारे पंडाल गोरखपुर में जो लगे हुए थे, मेनली मेडिकल कॉलेज रोड के। शुरुआत हमने की करीमनगर चौराहे का पंडाल और माता जी को देख के। उसके बाद हम लोग पहुँच गए रेलवे कॉलोनी फेज वन पे, वहाँ पे माता जी को देखा। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए चरगावा चौराहे पे, वहाँ पे देखा माता जी को और दर्शन किए और अंदर जाके देखा, अच्छे से देखा, अच्छे से वीडियो लिया। फिर हम लोग निकल गए झुमिया पे, झुमिया बाज़ार पे। वहाँ पे दो पंडाल लगे हुए थे, दोनों ही काफ़ी खूबसूरत पंडाल थे, बहुत ही दृश्य बहुत ही अच्छा था। उन पंडालों को देखा, फिर उनके अंदर गए, माता जी को देखा। फिर आगे जो पंडाल था वो पहले से भी अच्छा था, बड़ा था, उसकी लाइटिंग क्या जवाब थी, और अंदर माता जी थी, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत थी। आपने कौन कौन सा पंडाल विजिट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मेडिकल कॉलेज के पास। पंडाल जो लगा हुआ था काफ़ी खूबसूरत पंडाल लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें। और देखा हमने माता जी को। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, आगे हम लोग बढ़ गए मुगलहाँ पे। मुगलहाँ का ये पंडाल है और अंदर की यहाँ ये माता जी हैं, आप देख सकते हैं। आइए इसी रोड पे थोड़ा और आगे चलते हैं और हम लोग पहुँच जाते हैं हनुमान मंदिर के पास। उसमें भी माता जी रखे रहते हैं, यहाँ पे कोई सिनेमेटोग्राफी कर रहा होता है। फिर मैं अंदर जाता हूँ, ये है वहाँ की माता जी। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं ITI और वहाँ की माता जी। ITI के बाद पहुँच जाते हैं खजांची चौराहे पे जो बैठती हैं माता जी, वहाँ पे ये हैं वहाँ की माता जी। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं खजांची चौराहे से, हम लोग पहुँच जाते हैं शाहपुर। वहाँ पे चल रहा होता है मशीन वाला स्टोरी टेलिंग, मतलब माता जी रोबोटिक थोड़ा रहती हैं और काफ़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। बच्चे कंधे पे चढ़ चढ़ के शो का इंतज़ार करते हैं कि शो उनके सामने चलें। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये रही उसकी शुरुआत का कुछ वीडियो, हनुमान जी जल चढ़ाते हुए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं एच एन सिंह पे। कुछ पंडाल्स जो आगे असुरन की तरफ बढ़ते वक्त दिखते हैं, वहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं और पंडाल देखते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रतिमाएँ दिखी थी हैं, माता जी दिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये मेडिकल कॉलेज रोड पर की माता जी हैं, जितना रखा गया तो लाइन से मैंने सभी पंडाल्स को विजिट किया और माता जी का दर्शन किया। तो आपने जिस जिस पंडाल के आप सदस्य हैं या कमेटी के मेंबर हैं, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, या फिर आपने जो जो पंडाल विजिट किया है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पंडाल विजिट किया है या फिर हम इस समिति के सदस्य थे। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें जय माता दी। और हम लोग पहुँच जाते हैं असुरन पे। थोड़ा भीड़ रहता है और पंडाल काफ़ी बढ़िया सजा होता है और पहुँचते पहुँचते हम लोग के लाइट गोल हो जाते हैं, पर अंदर लाइट रहता है, ये अच्छी बात है। ये है वहाँ के माता जी, काफ़ी मूर्तियाँ रखी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं काली मंदिर पे, सर झुकाते हैं और पहुँच जाते हैं विजय चौक पे। यहाँ पे ये गली में एक माता जी रखी गई थी, कितनी अच्छी प्रतिमा रखी गई थी, देख के एकदम दिल खुश हो गया, एकदम मज़ा आ गया। आप भी देखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा जय माता दी, या फिर आपने कौन कौन सा विजिट किया है पंडाल ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हम लोग सुमेर सागर ही आगे उसी रोड पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जूट का पंडाल बना है जो कि काफ़ी यूनिक है और आप भी देख सकते हैं। और अंदर जो मूर्ति रखी गई है, माता जी रखी गई है, वो भी काफ़ी यूनिक है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी सजावट कितनी अच्छी की गई है। एक प्रॉपर सिनेमेटोग्राफर कैमरा के साथ दिख जाते हैं और हमें मिल जाते हैं आदित्य भैया और अमरदीप भैया, और मेरे साथ आयुष रहता है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं दुर्गाबाड़ी पहुँचते पहुँचते रास्ते में जो भी पंडाल्स दिख रहे थे वहाँ पर हम लोग दर्शन करते हुए जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जा रहा था। दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और दुर्गाबाड़ी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम चारों लोग का पहली बार होता है यहाँ जाने का, इससे पहले हम लोग कभी नहीं विजिट किए थे। हालाँकि वहाँ पर काफ़ी थोड़ा मेस हो गया था क्योंकि 12 बज रहा था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, पर ये है वहाँ की माता जी, काफ़ी खूबसूरत हैं, अच्छी लग रही हैं। दुर्गाबाड़ी से निकलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं काली मंदिर पे, जो पंडाल बना हुआ है मेन जो शहर में है, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, उस पंडाल को कैसे भूल सकते हैं। काफ़ी भीड़ था और क्या पंडाल, एकदम सजा हुआ था लाइट से, बिल्कुल एकदम खूबसूरत लग रहा था। अंदर जाते हुए देखा मैंने कि यहाँ पे कुछ नृत्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं। खैर, इन्हें नाचने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माता जी को कि कैसी हैं यहाँ पे माता जी। और यहाँ पे हमारे भाई सिनेमेटोग्राफर
प्रॉपर सिनेमेटोग्राफर विद कैमरा वाले दोबारा दिखने, तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना लिंक भी दे दें अपने वीडियो का जो बनाए हुए थे ये। और ये हैं काली मंदिर की माता जी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हैं। फिर हम लोग यहाँ से पहुँच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे सालों बाद लगा हुआ था और यहाँ का पंडाल जो बना हुआ था, वाह लग रहा था कि यहाँ पैसा खर्च हुआ है। अब लगे भी क्यों ना भाई, यही तो सबसे ज़्यादा होटल वाले पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खूबसूरत सुंदर पंडाल बनाया हुआ था और माता जी भी अच्छी रखी हुई थी। यहाँ से दर्शन करने के बाद हमें लगा कि हम लोग का दर्शन पूरा हो गया, हम लोगों ने जितनी देखना था देख चुके थे क्योंकि रात के 1 बज गए थे, तो हम लोग बाय बोल ही दिए थे। पर रास्ते में जाते हुए पता चला असुरन पे, जो कि NER के फील्ड में जो मेला लगता है वो तो भूल ही गए, तो रास्ते में जाते हुए वो भी हम लोगों ने देखा। हालांकि मेला ख़त्म हो गया था पर हम लोग रात में पहुंचे, तो आइए अंदर की माता जी को भी हम लोग देख लें कि यहाँ की माता जी कैसी है। ये रही यहाँ की माता जी। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग अब निकल गए थे कि ये लास्ट है, अब घर जा रहे हैं। पर याद आया बीच में कि राप्ती नगर का हम लोग भूल गए थे, तो ये हैं राप्ती नगर का पंडाल और माता जी। काफ़ी खूबसूरत सजा हुआ था और यहाँ पे भी रोबोटिक्स वाला थोड़ा था वो कार्यक्रम चलता था और बगल में मूर्ति रखी हुई है। तो यही था वीडियो में, अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, या नहीं भी चलेगा पर जय माता दी। और वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।